नमस्कार बच्चों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आप बच्चों के सामने। और आज दिल्ली पुलिस का पेपर था, तो होपफुली आपका सबका बहुत शानदार पेपर गया होगा, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत किया है और पेपर भी आपके अकॉर्डिंग ही आया हुआ था। मींस अगर मैं कहूँ कि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भी हमसे जो पढ़ा है, मतलब बाकी जो टीचर से भी पढ़ा होगा, तो ऑन एन एवरेज आपका पेपर था। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भी जितना 2020 में जो पेपर आया था, तो उससे तो कहीं ना कहीं काफी आसान पेपर था। अब बात ये है कि भी इस पेपर में कितना स्कोर आपके लिए सही रहेगा, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कितना टारगेट बना के चले आगे आने वाले शिफ्टों में, या फिर आप ये कह लीजिएगा कि आगे वाली शिफ्टों का भी लेवल सेम रहेगा या फिर कम हो जाएगा। देखो, लेवल आपका लगभग लगभग ऐसा ही रहेगा, कम या फिर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसा पहला पेपर हुआ है, ऐसे ही बाकी शिफ्टों में इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम बात करेंगे कि मैथ में कितना स्कोर एक बच्चा ले सकता है, भाई जीके में कितना स्कोर आज के जो शिफ्ट हुए थे उसमें कितना बच्चों ने लिया है। लगभग से लगभग ये मतलब कि जो ऑनलाइन जितने भी बच्चों ने रिप्लाई करे हैं, कमेंट करे हैं, उसके आधार पर ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो आपको पता कहीं पर मिलेगा नहीं। ये तो जब सारे शिफ्टों के पेपर हो जाएंगे, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद एक्चुअल बता पाएंगे। अभी तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों के कमेंट के आधार पर जो आप लोगों ने बताए हैं कि पेपर कैसा आया हुआ था। ऐसे ही आपका रीजनिंग का मोड का लेवल कैसा था, मैथ का कैसा था, कंप्यूटर का कैसा था, तो मैं चारों सब्जेक्ट्स के लेवल आपको बताऊंगा। उसके आधार पर आप देख लेना कि भी मिनिमम इतना स्कोर तो आपको चाहिए ही चाहिए इस पेपर में भी और आगे आने वाले पेपरों में भी। आज आपका जितना भी पेपर हुए हैं सबका ऑनलाइन विश्लेषण मुझे करना था, लेकिन पिछले 3 दिनों से तबीयत लगातार खराब है और उसकी वजह से मतलब कि शुरू ही नहीं कर पाया। नहीं तो काफ़ी दिनों से मैं स्टूडियो सेटअप पर सब चीज़ें रेडी है, बस तबीयत खराब होने के कारण गले में मतलब कि खांसी है, जुकाम है, तो उसकी वजह से आज का पेपर एनालिसिस नहीं कर पाया। कल मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपको जीके का पोर्शन तो जरूर आपको करवाऊँ, जो संभावित पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी करवाऊँ। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैथ की बात। तो मैथ का एज कम्पेयर टू 2020 की अगर हम बात करें, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी था। अगर हम बात करें क्या इसमें कैलकुलेशन था, तो इतना कैलकुलेटिव भी नहीं था, ये भी क्लियर है। अगर हम बात करें क्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मतलब क्वेश्चन बहुत तो मुश्किल थे, तो अभी टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर ये दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेपर का जो क्वेश्चंस थे वो आसान थे, और 15 में से जो मोस्टली बच्चों का जो स्कोर है वो 13-14 के आसपास है। कुछ एडवांस जो बच्चे होते हैं, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, उनके 15 भी मिलेंगे, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। जिनको ये लगता है कि उनका मैथ ठीक ठाक है, तो उनका भी स्कोर 13 से 14 है। अब जिनके 10 आए हैं, 11 आए हैं, वो बच्चे ऐसा ना सोचे कि भी सर इसका मतलब सही नहीं बता रहे हैं या बता नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। खुद मैंने भी क्वेश्चंस देखे, मेरा मैथ बैकग्राउंड ज़्यादा मतलब ठीक ठाक नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा था कि लगभग क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में भाई आपका वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। वर्बल से 15 से 16 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में पूछे गए, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में वर्बल से पूछे गए, नॉन वर्बल से। तो अगर आप देखोगे, एक पोर्शन से आपका लगभग 15-16 क्वेश्चन, दूसरा आपका जो इमेजेज वगैरह है, फोल्डिंग वाला है, पेपर वाला है, तो वहाँ से 7-8 क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे कलोक से नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। इस शिफ्ट में कुछ छूट गए तो अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा, लेकिन तीनों ही शिफ्टों की अगर बात करें, तो 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, जिसमें मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दिमाग को दौड़ाना पड़ता था क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। फिर हम स्कोर की बात करें, तो लगभग लगभग 23 से 24 स्कोर या 22-23-24 स्कोर सब बच्चों ने किया है जो पिछले 3 से 4 महीने तैयारी कर रहे हैं। अब जिन बच्चों का स्कोर 18-19 या 20 रह गया, तो मैं कहूंगा कि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा है जितना पेपर आसान था।
तो 23 आप इसको मॉडरेट आप मान के चलिएगा कि इतना स्कोर आपके पास होना ही चाहिए, 23 मॉडरेट की बात कर रहा हूँ। मैथ में भी आप 13 ही मान के चलिएगा कि भी इतना तो आपका कम से कम होना ही होना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए और इन 10 में से लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्विज से पूछा गया है, एक दो और आपका होगा इधर उधर से मतलब पूछ लिया गया होगा, लेकिन मेनली फोकस दो मेन टॉपिक्स के ऊपर रहा है। और पेपर क्वेश्चंस का लेवल की बात करें तो जो बच्चे ठीक ठाक भी तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक ठाक भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों का स्कोर 7 8 9 सबका बन रहा है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो 30 मार्क का शक्तिमान जो है, तो उनका तो 10 भी बनेगा, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका 8 9 स्कोर अच्छे से बन रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा सिर्फ दो ही क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं, रीजनिंग में भी दो ही आप कम कर सकते हैं, 4 कम हुए, मैथ में भी मतलब कि दो नहीं एक ही कम कर सकते हैं, तो 5 क्वेश्चन मीन्स 50 में से अगर आप 45 का स्कोर कर रहे हैं ना इन तीनों सब्जेक्ट्स में, मैथ में, रीजनिंग में और आपका कंप्यूटर में, तो आप ये मानिएगा कि अभी तक आप लाइन में हैं, आप सेफ स्कोर में हैं। अगर आपका 45, 44 या 46 अगर आपका आ रहा है, ऊपर आ रहा तो आप लाजवाब है, आपका कोई जवाब ही नहीं है। फिर हम बात करेंगे जीके वाले पोर्शन की। जीके में अब की बार जो पैटर्न आया है वो लगता सेम सेम है, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे अब आपको लगेगा कि करंट का क्वेश्चन है और आप कहेंगे करंट का क्वेश्चन है लेकिन 2023 का नहीं, एग्जामिनर 2020 का पूछ रहा है, एग्जामिनर 2021 का पूछ रहा है। अगर उसने युवा इंडिया, खेलो इंडिया यूथ पूछ लिया तो अब 2018 में, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि इसने 4 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, वो एक आपका फैक्ट्स बन जाता है स्टैटिक जीके का। तो जहां तक स्टैटिक जीके की बात है, 14 से 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आए हुए हैं। उस स्टैटिक जीके की पीडीएफ लगभग जिसमें से 13 to 14 क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं, वो पीडीएफ मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ, कृष्ण मोहन सर के टेलीग्राम चैनल से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर हम बात करें हिस्ट्री के 7 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसे आपका पॉलिटिकल साइंस में शानदार आपके बार हाइक मिली है क्वेश्चंस में, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आपका डाउन चला गया, आज के हिसाब के अगर मैं बात करूँ 4 से 6 क्वेश्चंस का एवरेज ही रहा है। साइंस का जहाँ 12 12 15 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वहाँ सिर्फ 3 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं साइंस में। इकोनॉमिक्स में भी इवन की साइंस में 3 पोर्शन आपके आते हैं, खाली इकोनॉमिक्स भी आपकी 4 से 6 नंबर की पूछी गई। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने हिस्ट्री में ही इंक्लूड कर लिया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं टोटल स्टैटिक जीके का कि एक बच्चे का कितना स्कोर होना चाहिए, तो अगर आपका स्कोर है 30 30 तो आप ये मानिएगा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपका स्कोर है 32 तो बहुत शानदार किया है, अच्छे से आप शानदार हो गए। और अगर आपने 35 किया है तो आप ये समझिएगा कि आप एक्सीलेंट बच्चों में हैं। मीन्स 15 नंबर या 20 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 15 नंबर आप यहाँ से कम कर दो और 5 नंबर आपके उधर से हो गए, मीन्स अगर 100 में से आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो आप, वो हरियाणा में बोलते हैं कि भी नो हाथ की शोट में सो जाओ, मीन्स आप सेफ हो, आपका फिजिकल कॉलिंग आएगी और आप मेरिट में भी आ जाओगे 80 नंबर में। अगर आप ये कह रहे हैं 2020 की तुलना में कट ऑफ हाई जाएगी, तो बिल्कुल जाएगी, क्योंकि पेपर का आप लेवल देखोगे तो ज़्यादा ही है, वहाँ पे 73 74 75 में आपका आ गया था, इस बार नहीं आने वाला है। तो इसलिए आगे आने वाले जो पेपर्स होंगे तो उसमें आप अपना टारगेट लगभग लगभग 80 प्लस मान के चलें और उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करें, तो आपका सेफ स्कोर है। अब ये स्कोर जो मैंने बताया है ये मेल के लिए बताया है, अब फीमेल जो है, लड़कियां जो है, वो भी सोचेंगे कि भी कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उनका ऑटोमेटिक आप ये मान लीजिएगा अगर यहाँ पे 80 का स्कोर आ रहा है तो उनका मतलब 7 से 8 नंबर कम कर लीजिएगा,
बेहतर के आसपास आप या 70 से बेहतर के आसपास आप अगर स्कोर कर पा रहे तो आपका सेफ स्कोर 70 के आसपास आप मान के चलिएगा। तो आज का डाटा का विश्लेषण यही था, और कल मैं आपको दिन में जो दिन के सारे आपके पेपर होंगे दिल्ली पुलिस के, पूरा दिन लग के आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के रात को आपको क्लास दूंगा, जिसमें आपका सारा जीके का पोर्शन आपका कवर होगा, प्लस में और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस भी 50 से 100 हम करेंगे, ताकि आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आपको फायदा मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।